निफ्टी 7,500 से 17,000 आ गई। क्या अब तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया? क्या आप ये सोच रहे हो मैं इन्वेस्ट कर दूं और मार्केट का टॉप लग गया? तो अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हो तो बता दूं आपको, 17,000 पे ये बुल मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। बुल मार्केट में जब हम ये सोचते हैं कि बुल मार्केट खत्म हो रही है, याद रखना एक्चुअल बुल मार्केट तो वहीं से स्टार्ट होती है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं करते। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि निफ्टी 50 2025 में 50,000 जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 2025 तक निफ्टी 50,000 जा सकती है। उसके क्या रीजन हो सकते हैं ये पूरे हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो ना आपने कहीं सुनी होगी ना इस बारे में कहीं सोचा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, ये एक लंबी जर्नी है। ये आप समझ जाते हो चीजें तो आपका कन्विक्शन बना रहेगा, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स, अपना खुद का पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ। वो आप ज्वाइन करोगे तो आपकी लर्निंग और अर्निंग में इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मेन अजम्पशन होता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस मतलब पास्ट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी 50 को 50,000 देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग निफ्टी का चार्ट रेफर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस रेफर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निफ्टी 50 50,000 तक जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट मतलब हर एक कैंडल आपकी एक महीने की है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2008 में जो निफ्टी का टॉप लगा था वो करीब करीब 6,500 के आसपास था, और आज आप देख रहे हो निफ्टी 17,000 है। 17,000 वो भी आप देख सकते हो एक दो हफ्ते में ज्यादा मूवमेंट की है। तो 2008 से 2021 तक मतलब करीब करीब 13 साल में निफ्टी अगर आप देखोगे 7,500 की निफ्टी 17,000 गई है, 6,500 की 17,000 गई है। इसका मतलब सिर्फ 2.5 गुना हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो निफ्टी ने कुछ बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। अब इसमें भी आप 6% का इन्फ्लेशन जोड़ दोगे तो आप सोचिए कि रिटर्न कितना कम मिला है। दैट टू, अगर आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, अगर ये निफ्टी आप डॉलर टर्म में देखते हो तो आपको पता चलेगा 2008 का जो हाई था वो था करीब करीब 44,000 और आज आप देख सकते हो 65,000। अब आप सोच रहे होगे कि निफ्टी को हम डॉलर टर्म में क्यों देख रहे हैं। निफ्टी को दोस्तों डॉलर टर्म में देखना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि ये जो पूरी वर्ल्ड है ये एक्चुअली डॉलर टर्म में ही बात करती है। हम हमारी जो इंडियन रुपी है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उसको डॉलर टर्म में देखना पड़ता है। तो ये जो हम स्मार्ट मनी है, जो गोरे हैं, एफआईआईज हैं, जो इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम उन्हें बड़े स्मार्ट समझते हैं। तो वो देखिए उन्होंने कितना रिटर्न बनाया, 2008 से आज तक सिर्फ और सिर्फ 50% रिटर्न बना है इस इंडियन मार्केट में। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन भी आप देख लो, हमेशा आपने सुना होगा कि हम इस इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वो भी डॉलर में बात करते हैं। रिलायंस का मार्केट कैप वो भी डॉलर में होता है, हर चीज डॉलर में ही होती है। तो एक्चुअली हमको निफ्टी को रुपी में देखने की जगह डॉलर में ही देखना चाहिए। और अगर आप डॉलर में देखोगे तो आप देख सकते हो 2008 का हाई तो जस्ट अभी क्रॉस हुआ है कुछ टाइम पहले। इसका मतलब 2008 से अब तक निफ्टी ने कुछ भी खास रिटर्न नहीं दिया है। वो तो हम इंडियन रुपी में देखते हैं इसलिए, और इसमें अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ो प्लस जो इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हुआ है एज कंपेयर टू डॉलर, इंडियन रुपी की इंडियन फॉरेन मार्केट में जो वैल्यू गिरी है उसकी वजह से आपको इतना रिटर्न दिखता है। और बहुत ज्यादा तो भी रिटर्न नहीं दिखता। अगर आप 2018 से कंपेयर करोगे तो निफ्टी करीब करीब 12,000 थी। अब कोई इंसान 2018 में सो गया होगा और आज उठा होगा 3 साल बाद और पूछेगा निफ्टी कितनी है, तो 17,000 है। तो क्या बड़ी बात है, 2018 में जो निफ्टी 12,000 थी 17,000 है, क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है, मार्केट ने हमारा नजरिया बदल दिया है। अब हम निफ्टी को एक्चुअली यहां से नहीं देखते 12,000 से, हम निफ्टी को एक्चुअली यहां से देखते हैं 7,500 से, यहां से देखते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों जो निफ्टी ने हमारे माइंड के साथ किया है ना, मार्केट निफ्टी ने एक्चुअली हमारा रेफरेंस पॉइंट ही बदल दिया है। तो हाँ, अगर आप यहां से देखते हो कि 7,500 से तो डबल भी है, ये तो मैं मानता हूं बहुत शॉर्ट टर्म में स्ट्रेच हुए, लेकिन ऐसे आप मत देखो। आप थोड़ी लंबी पिक्चर देखो तो आपको पता चलेगा निफ्टी ने कुछ भी नहीं दिया है रिटर्न। और अगर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर या पूरे वर्ल्ड की नजर से, क्योंकि वर्ल्ड तो इंडियन रुपी में नहीं दिखती है, डॉलर में दिखती है, उस हिसाब से तो भाई 2008 के बाद तो हमने रिटर्न ही नहीं दिया है। इसका मतलब है ये मार्केट ना दोस्तों पेंडुलम की तरह होती है।
अब रिटर्न नहीं मिला है ना, तो आगे का बहुत ज्यादा चांस है कि आगे कुछ सालों में रिटर्न मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब दोस्तों अगर हम सिर्फ निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, तो जो हम लोग इसको 2008 की बुल मार्केट से कंपेयर करते हैं, तो आप यहां देख सकते हो 2008 में जो लो लगा था, 2003 में जो लो लगा था वो 900 रुपए का था। वहां से आप देखो ये जो बुल मार्केट खत्म हुई 2003 से 2008 तक, ये 900 रुपए का जो निफ्टी है वो करीब करीब 6,500 हो गया। मतलब आप बोल सकते हो 6.5 गुना का ये पूरा बुल रन था। तो अगर सेम बुल रन लो से पकड़ा मैंने, अगर सेम बुल रन हम यहां से भी माने, अगर आप 7,500 को 6.5 गुना करते हो तो करीब करीब 45,000 के आसपास बन जाता है। अभी सिर्फ 17,000 चल रहा है। दूसरा पॉइंट, जब ये बुल रन स्टार्ट होती है और उसका जो प्रीवियस हाई क्रॉस होता है, जैसे ये जो बुल रन 2003 में स्टार्ट हुई थी, जब उसका ये हाई क्रॉस हुआ था ये तो 1800 था। अब यहां से अगर आप देखते हो 1800 से अब ये पहुंच चुकी है 1800 के बाद करीब करीब 6,500, मतलब वहां से भी आप बोल सकते हो 3.5 गुना। मतलब ये जो पुराना हाई क्रॉस हुआ है उसके बाद भी ये 3.5 गुना जा सकती है। तो इसका मतलब 12,500 से अगर आप 3.5 गुना इसको जोड़ लेते हो तो ये भी करीब करीब 42,000 के आसपास आ जाता है। तो ये नंबर देख के आप क्लियर समझ सकते हो कि अभी तो निफ्टी को यहां से बहुत ऊपर जाना है। और अगर इस बुल रन को मैं 6 गुना 6.5 गुना मानता हूं, तो ये बुल रन ऑब्वियसली उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे वर्ल्ड मार्केट के कोई भी बुल रन को देख लो, जितना पिछला बुल रन रहता है उसका अगला बुल रन उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। प्लस आप देख सकते हो कि अब के जमाने में और उस जमाने में हर चीज बदल चुकी है। पहली बात तो कितना सारा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब इस बुल रन में जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, जैसे अगर आप देखोगे एल एन टी का स्टॉक दोस्तों इस बुल रन में 10 गुना के ऊपर हो गया था। ये देखो आपको मैं चार्ट बता देता हूँ, एलएनटी का स्टॉक इस बुल रन में 10 गुना हो चुका था। ये देखिए ये यहां से बुल रन है करीब करीब, वो जो 50 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट आप सोचिए 1,000 रुपए हो गया था। अब जो एलएनटी का जो रॉ मटेरियल था, ये जो भी लगा था उसको बनाने के लिए, आज उसकी कॉस्ट ज्यादा है, कंपनी बढ़ चुकी है। तो इन सब फैक्टर को भी अगर मिला लेते हो तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि ये बुल रन यहां से अभी जस्ट शुरू हुआ है और इसको निफ्टी को 50,000 तक जाना है। और 2025 क्यों दोस्तों, अगर हम यहाँ पे टाइम भी देखेंगे, ये 2003 था और ये 2008, तो मतलब करीब करीब बोल सकते हो 5 साल, और ये 2020 में लो है, तो यहां से 5 साल हम मानेंगे तो 2025। तो इस तरीके से दोस्तों 2025 तक निफ्टी 50 आपका आपको 50,000 दिख सकता है। लेकिन रुकिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या है दोस्तों, ये जो चाल है ना, ये सीधी रेखा में सीधा 50,000 नहीं जाएगी। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है, कि कल को उठते 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 जैसे हम देख रहे हैं, कुछ ही दिन में 15,500 का निफ्टी 17,000 चला गया। अब आप अगर ये सोचते हो कि बस ये चलता जाएगा 17, 18, 19, 20, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अगर हम पास्ट बुल रन एनालाइज करें ये वाला, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कितनी करेक्शन हुई है। सबसे बड़ी जो करेक्शन थी वो ये थी। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो करेक्शन हुई है करीब करीब 36% की करेक्शन है, 36% करेक्शन इन द इंडेक्स, जो पहली करेक्शन भी। उसके बाद आप देखो दूसरी करेक्शन भी, यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो दूसरी करेक्शन है वो 13% की करेक्शन है। नेक्स्ट अगर आप तीसरी करेक्शन देखते हो, ये देखो ये जो करेक्शन आप देखते हो तो ये भी करीब करीब 13% की करेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ये करेक्शन आप देखते हो तो ये देख सकते हो आप, ये करेक्शन करीब करीब 30% की है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये करेक्शन अगर आप देखते हो तो करीब करीब 15% की है। इसका मतलब निफ्टी यहां से जो 6 गुना हुई, उसमें आप देख सकते हो 35% की करेक्शन, 13%, 13%, करीब करीब 30%, करीब करीब 15%। तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 बड़ी करेक्शन आई। उस 5 बड़ी करेक्शन के बाद जो इन्वेस्टर हैं उनको 6 गुना रिटर्न मिला। और आप अगर इस बुल रन में देखोगे, अभी तक तो कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाती है मार्केट तो लोग डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। बट जो पिछली हिस्ट्री है उसके हिसाब से आप देखो कि करेक्शंस आएगी और बड़ी आएगी, डीप आएगी। करेक्शन आएगी दोस्तों, लेकिन बड़ी आएगी, डीप आएगी। लेकिन आपको हमेशा ब्रॉडर पिक्चर याद रखनी है कि निफ्टी 50,000 जाने वाली है। अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा। तो अगर आप 17,000 में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत 15,000, 14,000, 13,000, 12,000 और क्या हो जाएगा। लेकिन जब आपको ऐसा दिखता है कि 17,000 पे लू 12,000 जाएगी, नीचे जाने को 5,000 पॉइंट है और ऊपर आने को आप ऑलमोस्ट 3 गुना मान सकते हो, अगर आप ये लेवल से सोचते हो ना, तो इस मार्केट में दोस्तों आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। अब अपने पोर्टफोलियो की हालत बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी तो आपको बता दिया मैंने 6 गुना हुई थी, मतलब आज अगर आप मेरे ख्याल से
ETF में भी इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 5 साल में यहां से 3 गुना रिटर्न मिलना चाहिए। बट वो बात है कि अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यहां से सीधी चले जाए, तो भाई वीडियो को पूरा सुनना, वरना लोग क्या करते हैं आधी सारी बातें सुनते हैं और फिर अपनी थ्योरी लगाते हैं। ठीक है, इस दौरान में करेक्शन भी आती है, जैसे अगर आप देखोगे जो पहली करेक्शन आई थी वो 900 का जब 2000 हुआ था, मतलब डबल होने के बाद, उसके बाद जो करेक्शन आई वो 35% थी। अब ये यहां से ऑलरेडी डबल से ज्यादा हो चुका है, 7500 से 17000 हो चुका है, मतलब करेक्शन तो इन बिटवीन आएगी। ठीक है, लेकिन आपका नजरिया अगर बड़ा है तो कोई भी टेंशन नहीं है। अब इसी दौरान हम ये देखते हैं कि हमारे स्टॉक के साथ क्या हुआ था, तो इसके लिए दोस्तों मैं मिड कैप इंडेक्स लेके आता हूं। मिड कैप इंडेक्स ये देखिए, ये लो लगा है। ठीक है, अब यहां देखो आप कितना है, 900, और यहां देखो कितना है, 9000 के ऊपर। मतलब जिस दौरान पे निफ्टी आपकी 6.5 गुना हो गई थी, उस दौरान आपकी जो स्टॉक्स है मिड कैप स्टॉक, मिड कैप इंडेक्स, वो एक्चुअली 10 गुना हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो 10 गुना। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं इससे, तो यहां देखिए कितना, ये इसका जो लो लगा था वो 10,000 पे था। तो अगर मैं यहां से 10 गुना बोलू मतलब 1 लाख, मतलब ये जो 30,000 है इसको अभी 1 लाख जाना है। इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर निफ्टी यहां से 3 गुना हो जाती है, 17,000 का 50,000 हो जाती है, तो आपकी जो स्टॉक है वो कम से कम 7 गुना हो सकते हैं। तो आप सोचिए इस मार्केट में दोस्तों कितना ज्यादा रिटर्न बन सकता है। तो अभी बोल सकते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको हमेशा इन्वेस्टर का माइंडसेट रहना चाहिए। बुल मार्केट में हमेशा मेरी बात याद रखना, इन्वेस्टर ही ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में जब भी कोई स्टॉक गिरता है वो इसीलिए गिरता है कि उसको ऊपर जाना है। कोई भी स्टॉक अगर एक कदम पीछे लेता है तो वो इसीलिए एक कदम पीछे लेता है कि उसे, क्योंकि उसे 2 कदम आगे जाना है। तो अगर किसी स्टॉक को 100 से 1000 जाना है तो वो कैसे जाएगा, पहले 100 से 200 हो जाएगा, 200 से 150, 150 से 300, 250, 500, 400, ऐसे करते गिरते पड़ते ऐसे जाएगा। इस दौरान बीच बीच में करेक्शन आएगी, और अगर आपकी ट्रेडर मेंटालिटी होगी तो इस बीच में आप इतना लॉस कर बैठोगे ना कि आपको जेब से देना पड़ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रेडिंग इज वेरी गुड, बट वो एक्सपर्ट लोगों का काम है, सीख समझे बिना आपको करना नहीं है। इन्वेस्टर आप बनोगे, अच्छे शेयर्स को अच्छी जगह लो और इस जर्नी को एंजॉय करो, अपने पैसे को बढ़ता देखो, 5 साल बाद अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। करेक्शन आएगी दोस्तों बीच बीच में, वो इसीलिए आ रही है कि जो बड़े लोग हैं वो आपसे स्टॉक्स को लेना चाहते हैं। जब तक आप डर के स्टॉक को बेचोगे नहीं, अगर ये मार्केट सीधी सीधी 17,000 से 50,000 गई, फिर तो भाई हर चाय वाला, पान वाला, दूध वाला सब स्टॉक मार्केट में ही काम करते हैं। तो करेक्शन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केट, जिसकी वजह से आप लोग डर के निकल जाओगे और बड़े लोग आपसे स्टॉक को ले लेंगे, एक्युमुलेट कर लेंगे और फिर मार्केट वहीं से चल जाएगी। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक को अच्छी जगह लो, जम के बैठो, 5 साल में अपनी किस्मत बनाओ। और जाते जाते एक फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, अपने शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा का डायलॉग, ये दिल मांगे मोर। स्टॉक मार्केट में दोस्तों, बुल मार्केट में ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये दिल मांगे मोर, आपके ऊपर पैसों की बारिश होती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूं। सो दैट्स इट, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।